फ़हीम। मैं अभी मौजूद हूँ मीरगंज शहर के हथुआ मोड़ पे, यानी हथुआ चौक पे मैं मौजूद हूँ। और मैं बताऊँ कि मीरगंज की स्थिति ये है कि यहाँ पे लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और लोग जो है बिना वजह सड़क पे हैं, और यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो बेखौफ सो रही है। पुलिस प्रशासन भी सड़क पर नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके चेहरे पे मास्क भी नहीं है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लोगों को कोरोना से डर नहीं है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ, आइए हम बात करते हैं। क्या आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? डर तो लगता ही है। मास्क लगाइए। मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क लगाए हुए हैं। क्या पूरा मार्केट खुला हुआ है, बेवजह लोग मार्केट में घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है? सब तो मना करता ही है। पुलिस तो मना करती ही है। तो मतलब पुलिस प्रशासन सख्ती से काम कर रही है? इस पर सख्ती है, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों में भी गलती है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर का दृश्य दिखाए कि बिना वजह लोग मार्केट में घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी घूम रही है, लेकिन इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो बेखौफ सो रही है, यानी मीरगंज की जो भी पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी है, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बेखौफ होकर के लोग मार्केट में घूम रहे हैं, बिना वजह मार्केट में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, यानी लॉकडाउन लगा ही नहीं है। मैं बताऊं कि 16 तारीख से, यानी 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन करने का ऐलान हो चुका है और लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ के जनता है, वो बिना वजह मार्केट में निकले हुए हैं और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, आइए हम बात करते हैं, आप किस लिए यहाँ पे खड़े हैं? मार्केट में आए हुए हैं। मार्केट में आप हैं, यहाँ पे खड़े हैं? पान खाने आए थे। पान खाने आए थे, तो पान खाने के लिए आप घर से निकल जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना से? नहीं, डर है। डर है तो आप पान खा लिए, आप यहीं पे खड़े हैं, बताइए लॉकडाउन चल रहा है ये चीज़ पता है कि नहीं आपको? मालूम है ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है? जा रहे हैं घर। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना वजह मार्केट में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं है, लोगों के अंदर खौफ नहीं है, यानी कि मैं बताऊं कि लोग एकदम डर नहीं रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ जो लोग हैं वो लोग कैमरा देख करके भाग भी रहे हैं, लोग बात तक नहीं करना चाह रहे हैं। आइए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या आप किस लिए यहाँ पर खड़े हैं? इसी तरह अपने घर के लिए खड़े हैं। जी, घर के पास खड़े हैं आप? ठीक है, घर के पास खड़े हैं तो आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना से? डर तो है ही है, लेकिन बच कर चलना है। तो क्या आपको घर में रहना चाहिए? पूरा देश जो कोरोना से जूझ रहा है और आप मार्केट में, यानी घर के बाहर खड़े हैं? हाँ, चले जाए घर खड़े पर हैं हम लोग। तो क्या इस पर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा? क्यों, पुलिस की तो गाड़ी गई लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कोई रोक टोक नहीं कर रहा है? मारपीट हुआ था ना, इसलिए भीड़ लगा था यहाँ पर, इसके पहले भीड़ नहीं था। तो यहाँ की जो भी पुलिस प्रशासन है वो एक्शन ले रहा है कि नहीं? ले रहा। तो देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है, लेकिन बिना वजह लोग मार्केट में हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, चेहरे पे मास्क भी नहीं है, बिना वजह मार्केट में निकल रहे हैं। और मैं बताऊं कि मीरगंज, मैं अभी मौजूद हूँ मीरगंज के हथुआ चौक पे, और यहाँ की स्थिति यह है कि पूरी तरह से लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमारे FS न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।